अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ बहुत बड़ी और अहम तरीन अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड के अंदर कोई तब्दीलियां होंगी या नहीं, शुएब मलिक की वापसी होगी या नहीं, और इसके अलावा इमाद वसीम को लेकर भी कप्तान बाबर आजम जो है वो बोल पड़े हैं। बड़ा बयान जारी किया है बाबर आजम ने, तो आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा इंडिया से एक बार फिर पाकिस्तान जीतेगा, पेशगोई बड़ी की है कप्तान ने, तो मुकम्मल तफसील से आपके साथ ये तमाम अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान का जो एशिया कप का स्क्वाड है, तो बाबर आजम का कहना है कि हम अब जा रहे हैं नीदरलैंड के दौरे पर, और आज रात को पाकिस्तान की टीम वहां पर रवाना हो जाएगी नीदरलैंड के दौरे के लिए। तो बाबर आजम का कहना है कि कोई भी चांस नहीं है कि एशिया कप के स्क्वाड के अंदर तब्दीली की जाए, लेकिन उनका कहना है कि जो शुएब मलिक को लेकर इतना वावेला मचाया हुआ था पाकिस्तानी फैंस ने, उनका कहना है कि जब पुराने खिलाड़ियों को लेकर आते हैं तो कहते हैं नए नए खिलाड़ियों को डालो, जब नए को डालते हैं तो कहते हैं वो पाकिस्तानी फैंस कहते हैं कि पुरानों को डालो, लेकिन अब उनका कहना है कि हमने फैसला कर लिया, मुड़ के हम पीछे नहीं देखेंगे। जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, मैंने खुद मशवरा किया, इसके अलावा पाकिस्तान के हेड कोच जो है सकलैन मुश्ताक और उसके अलावा चीफ सिलेक्टर, तीनों के मशावरात इसमें शामिल थे। स्क्वाड जब सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान का, तो उनका कहना है कि कोई तब्दीली नहीं होगी, इन्हीं के साथ जाया जाएगा। आसिफ अली और खुश दिल साहब के ऊपर अंधा एतमाद है बाबर आजम को, उन्होंने इस बात की वजाहत की है। और इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने इमाद वसीम को लेकर भी बड़ी स्टेटमेंट दिया है कि इमाद वसीम के साथ हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, जब इमाद वसीम की जरूरत पड़ेगी तो इमाद वसीम को बुला लेंगे, फिलहाल नवाज जो है वो अच्छा करे तो नवाज के साथ ही हम जाना पसंद करेंगे। तो बाबर ने ये स्क्रीन जो तस्वीर है साफ कर दिया है कि शुएब मलिक के जो फैंस हैं या इमाद वसीम के फैंस हैं वो थोड़ा हौसला रखें, और मलिक का तो कैरियर अब इख्तिताम पजीर हो चुका है, आप समझ लें। और इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर बाबर आजम ने जो स्टेटमेंट दिया, उनका कहना है कि हमारा यानी कि प्लान वही है कि हम भारत को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं, और पूरी टीम जो है आप मेरे ऊपर यानी कि डिपेंड ना करें कि बाबर आजम परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। उनका कहना है कि मैं पूरी टीम के ऊपर डिपेंड करता हूं कि जो अगर मैं चला भी जाए यानी कि आउट भी हो जाऊं, तो जो पाकिस्तान के पीछे खिलाड़ी हैं मुझे उनके ऊपर यकीन है कि वो पाकिस्तान को जीत दिला सकते हैं। तो बाबर आजम का एतमाद है, उनका कहना है कि भारत के मैच के लिए भी तैयार हैं, और इंशाल्लाह कामयाबी जो हमारे यानी कि हमारा काम है मेहनत करना, कामयाबी तो अल्लाह पाक ने देनी है। अगर आपको अपडेट चलेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब।